हम कल ही प्यार के पंछी हमेशा के लिए उड़ जाएंगे। सच्ची मुच्ची अभी बैठो तो समझ करेक्ट ओके। तमिल में प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ तो ये मेरा हिंदी में फर्स्ट मूवी है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट, बहुत एक्साइटेड हूँ। फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, रंगराज ऑन लोग शूट स्टार्ट किया गया, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? किरदार तो बहुत ही सिंपल रखा गया है। जो मूवी के बारे में है इस लाइक अपर अजीत आप लोग ने देखा होगा वहाँ पर, जैसा स्क्रीन प्ले था, जैसा स्टोरी था कि लाइक डबल नेचर का कुछ स्टोरी था, तो सेम थिंग यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। पोस्टर में काफी थ्रिलर टाइप का दिखाई दे रहा है, तो इस तरह की कहानी भी इस तरह की है। हाँ, काइंड ऑफ थ्रिलर ड्रामा है। स्टोरी में से क्या खास लगा जो इस फिल्म से आप जुड़े? स्टोरी में लाइक मैं बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड किरदार प्ले कर पाऊंगी, दैट्स व्हाई। फिल्म की बात करें तो किस तरह से ये आपको फिल्म मिली? फिल्म मिली लाइक मैं ऑडिशन के लिए गई थी तो डायरेक्टर से सिलेक्टेड में। ओवरऑल पूरी टीम की बात कीजिए तो क्या कहना चाहेंगे? पूरा टीम में सब बहुत अच्छा है, सब बहुत हार्ड वर्किंग है, तो बस अब फिल्म के डायरेक्टर इकबाल सर से बात कर रहा है। हाँ जी, इकबाल सर बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही प्रोफेशनल है, हर चीज़ सही तरीके से गाइड करते हैं। तो हाँ जी, ये जो एक्टर है आम आदमी है जो कैरेक्टर है इसमें, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, जैसे कि जनता से या लोगों से जो नेता हैं, पुलिस वाले हैं और भी जो ऑफिसर ग्रेड के लोग रहते हैं उनसे बहुत परेशान रहता है। तो एक बार ऐसा इसके साथ हादसा होता है, ये फंस जाता है पुलिस वालों के चक्कर में, ये सोचता है कि मैं अकेले इस तरह से लड़ नहीं पाऊँगा। फिर उसके अंदर ऐसी कोई शक्ति या ऐसा दिमाग में प्लान बनाता है, वो अपने कैरेक्टर को हमेशा चेंज कर देता है, सबके सामने नहीं रहता है लेकिन वो अपना काम कर देता है। मतलब जो भ्रष्टाचार है या किसी भी तरह का अपराध है उससे कैसे लड़ना है ये सोचता है, और यही फिल्म है।
पोस्टर में हमने देखा कई बड़े चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, तो उनके साथ कैसा डीलिंग रहेगा आपका, उसके बारे में बताइए। सब बड़े लोग हैं, सीखने को मिलेगा, अच्छा रहेगा। और डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत बढ़िया डायरेक्टर है। फिल्म को लेकर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको किस तरह का किरदार है आपका इसमें, जिस तरह का किरदार है, कितनी मेहनत की है आपने इस किरदार को पर्दे पर निभाने के लिए? जी बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, और अच्छा होगा बस। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में अगर और इसके अलावा कुछ हो तो? नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं, आई एम डूइंग एप्स, मैथ्स करती रह रही हूँ। तो हाँ जी, कैसी केमिस्ट्री रहने वाली है, कितना एंजॉय करने वाले हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा केमिस्ट्री रहेगी। हाँ जी, फिंगर क्रॉस्ड। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? वो तो मूवी जब आउटपुट निकलेगा तो सब देख पाएंगे, इंशाल्लाह सब सही हो, अच्छे से आप सबको पसंद आए। ऑन स्क्रीन अभी तो फिलहाल कुछ पता नहीं है, जब होगा देखा जाएगा। नहीं ऐसा कुछ प्लानिंग शेयरिंग नहीं है। लोकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ है? लोकेशन तो मुंबई में है, फिलहाल तो मुंबई है लोकेशन। हाँ जी, अब ये सर जितना करा सकते हैं एक बार, सर उनके ऊपर निर्भर करता है। एक्चुअली थ्रिलर ड्रामा है, रोमांटिक तो आई गेस थोड़ा नहीं होगा, थ्रिलर ड्रामा है, तो मेन थिंग स्टंट्स वगैरह में ज़्यादा फोकस किया जाएगा आई गेस। And I think Hi, this is Rajiv Vasishth. I have already acted with Mr. Iqbal Baksh, I think it's 3-4 movies. And the last movie I did with him was The Last Age of Kainat. And it's always wonderful working with him. That's all I have to say about Iqbal Bhaji. I really wish I could give you a specific answer, but I'm afraid right now because I was told just last night only, because I was busy somewhere in the meantime, I happened to get a call from Iqbal Ji and said, you have to attend the Murat, and that's how I came over here. As I said, I really wish I could give you a specific answer again, but I can tell you about the Dev Tiwari. He's been a wonderful actor and I already worked with him. I remember having done a photo shoot with him. He's a wonderful one to work with and I wish him all the best and luck. इसके अलावा कोई आने वाला प्रोजेक्ट आपका? यस, माय वन मूवी इज द रियल फाइटर, दिस इज ऑलरेडी कंप्लीट, एंड अनदर मूवी इज इट विल बी रीचिंग समवेयर इन जुलाई, दैट्स कॉल्ड ब्रोकन। आई हर्ड इट विल बी एंटायरली शॉट इन बॉम्बे, बट इट कुड बी, आई मीन इट कैन बी 11th आवर गेम एज, इट कुड बी समवेयर अराउंड एज वेल, सो राइट नाउ दिस इज ऑल आई हैव टू से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज फिल्म मुहूर्त है रैन का, और जिसके डायरेक्टर हैं इकबाल बख्श जी। मैं उनके लिए जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अनुभवी हूँ, शुरुआती दौर से लेकर अभी तक मैं इकबाल बख्श के हर फिल्मों का हीरो रहता हूँ। खैर ये हिंदी फिल्म है तो बिल्कुल इसमें हमारे मित्र देव जी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, और अमित राय जी इसके प्रोड्यूसर हैं, उनको भी ढेर सारी बधाई। देखिए बिल्कुल जुड़ना ये है कि हर एक फिल्म
एक कलाकार के लिए बढ़ावा होता है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं उसमें काम करूं तभी मेरी फिल्म हो। बिल्कुल, ये मेरा प्रोडक्शन हाउस है, जैसे कि हमारे इकबाल जी इसको डायरेक्शन कर रहे हैं, तो मैं उनके निर्देशा अनुसार यहाँ पे आया हूँ और सबको ढेर सारी बधाई देता हूँ। फिर से ये रैन फिल्म बहुत ही एक अद्भुत बनेगी और बहुत ही एक अलग अंदाज में बनेगी, क्योंकि इकबाल बख्श जी इसको बिल्कुल उनका शिष्य हूँ और वो मेरे गुरु हैं, तो मैं योगदान लायक तो नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल मैं इस फिल्म से सीखूँगा और सारी चीज़ों को सीखूँगा और मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा। लगभग यहाँ पे जो टीम है और सारे सब लोगों के साथ मैंने काम किया है, जैसे हमारे राजीव जी हैं और सिकंदर जी हैं और सारे पोस्टर पे जो दिख रहे हैं, मैं सबके साथ में काम किया हूँ और सबको लाख लाख बधाई देता हूँ, इस फिल्म को बधाई देता हूँ और सारी मीडिया को भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही बढ़ावा दें और इकबाल बख्श की फिल्म सुपर डुपर हिट हो। थैंक यू, नमस्कार। मैं सिकंदर खान, सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर अमित अदार जी को बधाई देता हूं और डायरेक्टर इकबाल बख्श जी को बधाई देता हूं। रैन फिल्म में मैं एक कॉप का रोल कर रहा हूं और ये पिक्चर एक म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म है और इकबाल बख्श जी के साथ मैं मेरे ख्याल से छठवीं फिल्म कर रहा हूं। लास्ट अभी कायनात रिलीज हुआ था। अच्छे डायरेक्टर हैं और मज़े भी डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करने में मज़ा आता है और इस फिल्म का मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद एक डिफरेंट फिल्म है जिसको आप डिफरेंट बोल सकते हो। थ्रिल भी अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है, एक्शन भी अच्छा है और इसमें हमारा रोल एक डिफरेंट है। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। तो धन्यवाद। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, भदोही ज़िले से हूँ, मेरे गांव का नाम कुसौली है और ये फिल्म मैं तो मतलब यही कामना कर रहा हूँ, मेरी फिल्म बहुत अच्छी बहुत अच्छे से मैं बना सकूँ और बनाऊँ और दर्शक लोग भी पसंद करेंगे। आप किस तरह का किरदार है इस फिल्म में? मैं प्रोड्यूसर हूँ जी। सर, स्क्रिप्ट में से क्या खास लगा कि फिल्म का प्रोड्यूसर है, से क्या लोगों को क्या मैसेज जाएगा? ये एक भ्रष्टाचार के ऊपर है, जो भ्रष्टाचार के लोग होते हैं उनके ऊपर बनी हुई है। तो जब एक कहानी चालू होती है, स्टार्टिंग होती है जब, तो हटके है, हर जगह से हटके है और अच्छी है और दर्शक को भी पसंद आएगी। इसकी म्यूजिक, जो भी म्यूजिक है, म्यूजिक बेहद खूबसूरत है, बहुत अच्छी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी और लोगों का प्यार हमें मिलेगा। कलाकारों के बारे में बताना चाहिए? कलाकार हमारे देव सर जी हैं, हमारे इकबाल जी तो जो डायरेक्टर हैं तो महान हैं और अजीत जी हैं, आकाश जी हैं, देवलीना जी हैं, सरोज हैं और अपने जो आकाश सर हैं तो लाजवाब ही हैं, अपने दीपक सर हैं, मनोज राठौर हैं और अपने अजीत सर, वो कई जगह पे काम कर चुके हैं। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट बनाने की प्लानिंग चल रही है? अभी ये फिल्म पे फोकस कर रहे हैं। सॉरी, इसके अलावा कोई और फिल्म बनाने की तैयारी है किसी? हाँ है, इसके बाद भी है और रहेगी, हमेशा भी रहेगी। हिंदी बनाएंगे? हिंदी ही बनाएंगे। जी जरूर। डायरेक्टर इकबाल बख्शी होंगे? नहीं जी, हाँ डायरेक्टर वही होंगे, एक्चुअली नज़र तो जरूर हम आएंगे। अगर प्रोड्यूसर के साथ हम डायरेक्ट मतलब एक्टर भी हैं और करेंगे रोल और हमारी तो खुशकिस्मती होगी कि मैं मतलब इसमें काम कर रहा हूँ और करूँगा जी। इसमें भी आप कुछ किरदार निभा? किरदार है हमारा, तो बताना चाहेंगे किस तरह किरदार? तो एक ये एक्शन मूवी है और हमारे देव जी तो बता ही चुके हैं आप लोगों को, तो इसमें किरदार ऐसा है, एक बार ऐसा सीन होता है, शॉर्ट सीन होता है कि हमारे देव सर जी वहाँ पे फंस जाते हैं, तो मैं हालांकि मैं उस चीज़ से मतलब वाकिफ हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो शॉर्ट किस हिसाब से होगा। आप इसके पहले तिरंगा मूवी देख चुके रहेंगे, तो तिरंगा मूवी में किस हिसाब से वो आता है, नाना पाटेकर टॉय टॉय टॉय, समझ गए ना, वो एंट्री मेरी ज़बरदस्त है। उस एंट्री से जब हम घुसेंगे ना
तो हमारे मतलब उस टाइम का जो भी एक्शन है, जो सीन है, वो दर्शकों को बहुत पसंद आएगी कि मतलब प्रोड्यूसर के साथ साथ एक कलाकार भी हैं और हैं हम। इसके अलावा दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को? दर्शकों का प्यार चाहिए और हमारे यूपी वालों से मुझे प्यार चाहिए। हमारे यूपी वाले जुड़े रहे हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर पूरी टीम में? सर मैं वीरेंद्र मिश्रा, भोजपुरी सिंगर, और इस फिल्म में काम भी कर रहा हूँ देव जी के साथ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम 10 दिन आफ्टर 10 दिन के बाद एक और फिल्म लेके आ रहे हैं देव जी के साथ, जिला जौनपुर, भोजपुरी फिल्म। तो उसके लिए मैं यहाँ खास आया था देव जी के साथ, और इस फिल्म में काम करने में भी मज़ा आएगा और दर्शकों को एंजॉय भी अच्छा मिलेगा। फिल्म अच्छी है, हमारे सर इकबाल सर जी हैं वो भी अच्छे डायरेक्शन देंगे, इसलिए फिल्म का जो लोके अच्छी मतलब फिल्म एक प्रकार से अच्छी फिल्म बन रही है और उसका सिस्टम भी अच्छा है। काम करने वाले जितने बंदे हैं हमारे साथ सब अच्छे हैं, इसमें कोई गाना भी आपने गाया? नहीं, हिंदी फिल्म में सॉन्ग नहीं गाता हूँ, भोजपुरी गाता हूँ और भोजपुरी में अपने को इंटरेस्टेड है। तो ये कोई भोजपुरी गाना गुनगुनाना चाहेंगे आप? भोजपुरी गाना क्या गुनगुनाऊँ आप लोग? कोई भी हमारी एक एल्बम आई है अभी माता जी की है और उसी का अच्छा गाना है, बागवाली के सजल दरबार एल्बम का नाम है और यूट्यूब पे भी आप लोग सुन सकते हैं, गाना अच्छा है। और गाना कुछ ऐसे है कि एक भक्त माँ के मंदिर में जाता है और माँ को बुलाना चाहता है तो कैसे कहता है, भिड़िया या पहाड़ बाटे अगुजत जाय कार, बाघवाली के सौजल बाटे साचा दरबार, बाघवाली के सौजल बाटे साचा दरबार, शेरावाली के सौजल बाटे। गाना अच्छा है, आप लोग यूट्यूब पे सुन सकते हैं। और बाकी जो अच्छा फिल्म है रैन है अपना देव जी के साथ काम करने में तो बहुत मज़ा आएगा और हम लोग साथ में भी रहते हैं और मज़ा ही आता है, एंजॉय करने मज़ा आता है, अच्छी बात है। सर फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगा कि प्रोड्यूसर पैसा लगाए फिल्म को बनाए, एक अच्छी फिल्म बनाए, मैं अच्छी फिल्म बनाना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर अच्छे हैं अमित राय, एक्टर भी अच्छे हैं देव तिवारी, देवलीना, सिकंदर खान, राजीव वशिष्ठ, बहुत सारे लोग हैं इस फिल्म में। अच्छी फिल्म बनाना चाहता हूं और अमित राय का पूरा सहयोग है फिल्म को बनाने के लिए, बोल रहे हैं कि अच्छे से बनाइए फिल्म। जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी सारे कलाकार नज़र आए तो लोगों को सिलेक्ट करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए इस फिल्म में? बहुत आसान है एक्चुअली, कोई मुश्किल काम नहीं है। नए चेहरे तो आप लोगों को पता है कितने स्ट्रगल कर रहे हैं एक्चुअली। देव तिवारी नए नहीं है मेरे लिए, ऑलरेडी मेरे साथ में एक फिल्म कर रहे हैं एक्चुअली, तो उनके साथ में दूसरी फिल्म है मेरी। देवलीना नहीं है इस फिल्म में, पहली बार उसको ब्रेक दिया है, उसका ऑडिशन लिया था, उसने अच्छा लगा जिस कैरेक्टर के लिए उसको बुलाया था, उसने उसको निभाया तो उसको कास्ट कर लिया। इसके अलावा फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो कितना अलग होगा फिल्म के लिए, इसके बारे में बताइए कितना? म्यूज़िक में हर फिल्म का अच्छा ही बनाता हूँ एक्चुअली, आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कायनात फिल्म का भी अच्छा बनाया, जिस तरह से नाम काफ़ी रोमांटिक लग रहा, तो गाना भी कुछ उस तरह का ही होगा? रेन रोमांटिक फिल्म नहीं है एक्चुअली, ये एक्शन सिनेमा है एक्चुअली, ये स्पिरिचुअल एक्शन सिनेमा है, मतलब ये फिल्म अपरिचित फिल्म से इंस्पायर्ड है एक्चुअली कुछ हद तक जी। इसके अलावा लोकेशन क्या क्या होगा फिल्म का, उसके बारे में बताइए? फिल्म का लोकेशन तो मुंबई शूट करेंगे, कुछ हम लोग शूट करेंगे यूपी और कुछ रहेगा तो पनवेल शूट करेंगे। फ्लोर तक कब तक आएगी ये? विद इन 15 डेज इंशाल्लाह फ्लोर पे आ जाएगी फिल्म। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से मैं ये हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलूँगा कि अपनी दुआएँ दें इस फिल्म को बनाने में, कामयाब करने में आपका साथ दें। थैंक यू वेरी मच। होप है मूवी बहुत ही सुंदर बने और बहुत ही अच्छे, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि जितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं अमित भाई और जितने अच्छे कर रहे हैं भाई और पूरी टीम, होप यही है कि बहुत ही सुंदर पिक्चर बने और इंशाल्लाह शायद ये बहुत ही अच्छी यूनिक मूवी होगी। इस बार कुछ अलग करेंगे अमित भाई। सर आप कुछ कहना चाहेंगे आपके दोस्त का कि आपको शुभकामनाएं? जी उनका तो बड़प्पन है कि हमारे पास आए, उनका बड़प्पन एक हमारे पास आया और मुझे तो बेहद खुशी है कि हमारे कई लोग और मेरे पिताजी हमारे साथ हैं। मुझे सबसे ज़्यादा एक खुशी है कि मेरे पिताजी हमारे साथ हैं और हमारे गांव के लोग मेरे साथ हैं। तो फिल्म में कितनी तरह किरदार हैं इनके लिए?
जी जरूर, वो करेक्टर है, जो भी करेक्टर है आगे सस्पेंस बना हुआ है, खुल जाएगा आगे चल को सब लोगों को अच्छा लगेगा, जो भी करेक्टर है बहुत अच्छा है। और मेरी तो शुभकामनाएं अमित भाई के साथ कि हमेशा ऐसे ही प्रोग्रेस करें अच्छी अच्छी लोगों को, बिकॉज आज इंडस्ट्री को एक अच्छी मूवी चाहिए और उसे प्रेजेंट करते हैं भाई और अच्छी बनेगी तो डेफिनेटली सबको पसंद है। मैं सभी ऑडियंस से अपने जितने भी हमें सुन सकते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बनने के बाद इस पिक्चर को सपोर्ट दो, अपना प्यार बनाओ और नेक्स्ट टाइम और अच्छी मूवी भाई लेके आएंगे। धन्यवाद, ओके, थैंक यू। है और फिल्म अच्छी ही बनेगी क्योंकि जो डायरेक्टर हैं हमारे इकबाल जी, उनका जो टेक्निक है वो सबसे अलग है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा ऑडियंस से कि हमारी जो एक अपनी टीम है और इस टीम के अंदर जो भी फिल्में बनती है वो फिल्में देखने के लायक होती है, ऐसा नहीं कि ये फिल्म सबसे अलग होती है। बस इसमें फ़र्क यही होता है कि इसमें ट्रीटमेंट से लेके कहानी से लेके सारी चीज़ें विजुलाइज अच्छे से करते हैं और ये भी फिल्म अच्छी बनेगी। थैंक यू। बहुत ही अच्छी मूवी है, एक एक्शन मूवी है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे डायरेक्टर इकबाल बग्स और प्रोड्यूसर, इनका मेन मकसद है फिल्म को कामयाब करने के लिए कि एक बहुत ही अच्छी मूवी बने और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सत्र की सबसे हिट फिल्म रहेगी और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर किया है देव तिवारी जी ने और देवलीना जी ने। थैंक यू। देखेंगे हमारे डायरेक्टर इकबाल बख्श जी का है पिक्चर, वह अमित राय है, इसमें सबको जमेगा, अच्छी पिक्चर लगेगी आप लोग को। जी थैंक्स। बाइट के लिए बोले किस तरह किरदार है आपका इस फिल्म के अंदर? आप हीरो के भाई बने हैं, हीरोइन के भाई, तो हीरो को मारते हुए नजर आएंगे फिर प्यार करते हुए नजर आएंगे तो क्या करते हुए नजर आएंगे? मारते हुए नजर आएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? बहुत अच्छा फिल्म है, आप लोग मैं चाहूँगा सब कोई आके मिल के देखे फिल्म, और फैमिली फिल्म भी है और एक्शन भी है, रोमांस भी है, अच्छी फिल्म है। थैंक यू सर।